सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के शोधन प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद कंपनी का तेल उत्पादन घट गया है। इससे दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप सा मच गया है और क्रूड के दामों में एक ही दिन में 20% तक चढ़ गई है। बताया जा रहा है कि तेल की खुदरा कीमतों में 2.5 महीने का सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़ी है, जबकि डीजल 24 पैसे महंगा हुआ है। कीमतों में ये उछाल 5 जुलाई को बजट पेश होने की बात से सबसे ज़्यादा है। इसका असर भारतीय घरेलू तेल बाज़ार पर भी पड़ा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन उछाल आया। दिल्ली में पेट्रोल 72.42 रुपये प्रति लीटर और डीजल 65.82 रुपये रुपए लीटर बिक रहा है। इससे पहले मंगलवार पेट्रोल के दाम 14 पैसे और डीजल के 15 पैसे बढ़े थे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को बजट पेश किया था। इसमें पेट्रोल डीजल पर करीब 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी। इसके दूसरे दिन ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2.45 रुपये चढ़ गए। 5 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 70.51 रुपये प्रति लीटर थी, जो 6 जुलाई को बढ़कर 72.96 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।